हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मायल सिंह सर, तो आज मैं एक छोटा सा एकदम से रिएक्शन बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, जो जरूरत तो होता है लेकिन बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मेडिकल के एग्जाम वगैरह में कभी पूछ देता है, कभी कभी पहले तो ट्रिपल ई वगैरह में पूछता ही था, लेकिन अभी तो अब ट्रिपल ई है नहीं तो मेन्स वगैरह में कभी कभार आता है। तो उस रिएक्शन का नाम है, नेम रिएक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, जिसका नाम है ओर्ज रिएक्शन। देखिए, जो हमारा ओर्ज रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है और मेटल का रिएक्शन होता है। तो यहां पर हम एक पॉइंट सिर्फ लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई E2O फॉर्म अल्केन कंटेनिंग इवेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नहीं, मतलब ये जो ओर्ज रिएक्शन है हमारा, ये ओर्ज रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है। तो देखिए, RX लेंगे तो इसका मिक्सचर लेंगे और सोडियम मेटल लेंगे और ड्राई Me2O ले लेंगे, मतलब ड्राई इथर लेंगे हम लोग, और दो सोडियम लेना पड़ता है तब ये RR बनता है और यहां से NaX साइड हो जाता है, जो आउटसाइड प्रोडक्ट बनता है हमारा वो NaX है। हम आपको सबसे पहले इसका मैकेनिज्म बताते हैं। सोडियम हमारा मेटल होता है और वो भी मोनोवेलेंट होता है, इसका वैलेंसी एक होता है। तो जरा सोचिए, जब सोडियम हम लेते हैं तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव आएगा, ये कितना लॉस किया, एक, तो एक गेन करेगा तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब सोडियम मोनोवेलेंट होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एन ए पर एक प्लस चार्ज आएगा। नहीं, इसी प्रकार अगर दो सोडियम लेंगे तो दो एन ए प्लस बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं आरएक्स का नेचर होता है, आर टू एक्स बॉन्ड टूट जाना, आर प्लस और एक्स माइनस बॉन्ड, इसलिए यहां पर टूटता है आर टू एक्स, क्योंकि आर लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और एक्स जो होता है उसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो कार्बन लीस्ट हुआ और जो फ्लोरिन क्लोरिन है, ब्रोमिन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो लिविंग ग्रुप का काम करता है, तो यहां से लीव करेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी। जैसे ये खींचेगा तो यहां माइनस और यहां पर प्लस आएगा। अब ये जो आर प्लस है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसको एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिल जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, और है कितना इलेक्ट्रॉन यहां पर, दो, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो न्यूट्रल करेगा, जब दूसरी इलेक्ट्रॉन उस पर जाके अटैक करेगा तो आर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, एक गया न्यूट्रल कर दिया प्लस माइनस, और दूसरा गया तो आर पर माइनस कर दिया। अब ये जो आप आर माइनस देख रहे हैं, ये आर माइनस जो देख रहे हैं, ये आर आर एक्स कितना है, दो ना, तो फिर से एक दूसरा आर एक्स लेंगे, और आपको पता है कि नेचर ऐसा ही होता है, ये आर प्लस पर अटैक कर देगा और बन जाएगा आर, तो एक एक्स माइनस यहां निकल रहा है और एक एक्स माइनस पहले निकला, और कितना एन ए प्लस है, दो एन ए प्लस है, तो एन ए प्लस और एक्स माइनस, तो एन ए एक्स हो गया, एन ए प्लस और एक्स माइनस एन ए एक्स हो गया, तो कितना एन एक्स यहां साइड हो गया, टू एन ए एक्स साइड हो गया। तो बड़ा आसान रिएक्शन है और बड़ा आसान मैकेनिज्म है। अगर डायरेक्ट हमको बात किया जाए, आर की जगह सी एच थ्री,
और यहाँ सी एल, यहाँ तो टू कर दीजिए या इसी को दो बार लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ सोडियम ले लीजिए और आपका ड्राई ईथर ले लीजिए, नहीं और जैसे लीजिएगा ये दोनों टूट जाएगा और CH3 कंबाइन करके इथेन बना लेगा, और इथेन के पास इवेन नंबर कार्बन इसलिए संभव है, और टू NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। समझ गए, नोट कर लीजिए इसको। तो उर्ज रिएक्शन का मतलब होता है बड़ी शानदार रिएक्शन है और छोटा सा रिएक्शन है और बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है लोगों को। जैसे दो अल्काइल हैलाइड लिया गया, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तभी उर्ज रिएक्शन नाम देंगे। तो उर्ज रिएक्शन का मतलब होगा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ हुआ और वहां अल्केन बनता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो इवेन नंबर कार्बन एटम कंटेन करता है अल्केन। ऑड नंबर हम बताएंगे, फ्रैंकलिन बताता है, तो इवेन ऑड दोनों बनता है, लेकिन यहां पर देखिए सिर्फ इवेन बन रहा है ऑड नहीं बन रहा है। और देखिए पहला मेंबर जो बन रहा है वो आपका इथेन बन रहा है, मीथेन नहीं बन रहा है, इसलिए उर्ज रिएक्शन मीथेन के फॉर्मेशन में नहीं आता है, ये मीथेन को फॉर्म नहीं कर सकता है क्योंकि इसके लिए दो आर चाहिए और दो आर चाहिए तो आर आर जुड़ के दो एक एक आर, एक एक आर दो आर हो जाएगा, तो दो कार्बन हो जाएगा, इथेन पहला मेंबर होगा उर्ज का। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गलती से ऐसा ले लेता है ऐसा, तो और यहाँ पर दो सोडियम ले लेता है और ड्राई ईथर ले लेगा, तो जरा सोचिए ये क्या बन जाएगा, ये टूटा जैसे ये टूटा तो ये CH3 से कंबाइन होता होगा तो बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। बताइए प्रोपेन तो बना, लेकिन बताइए ये कितना कार्बन है, ऑड नंबर है और ऑड नंबर अल्केन यहां फॉर्म होता नहीं, इसलिए संभव नहीं है। यहां दो ले लिए और दो सोडियम ले लिए और ड्राई ईथर ले लिए, तो फाइनली ये टूट करके ब्यूटेन बन जाएगा और +2 NaCl बाहर हो जाएगा, नहीं। इसी तरीके से अगर ऐसा रहता यहां पे Cl है और ये दो लिया जाता तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, जल्दी से बोलिए, इसको तोड़ देंगे और डबलिंग कर देंगे तो CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3 और 2NaCl। अच्छा अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है एक CH3Cl है और एक CH3Br है, तो प्रोडक्ट तो हम लोग समझ ही रहे ना क्या बनेगा, CH3CH3 बनेगा, लेकिन सबसे पहली बार जब मैकेनिज्म हो रहा होगा तो सबसे पहले कौन लिव करेगा, Br, क्योंकि Cl से ज्यादा लिविंग एबिलिटी होता है Br का। प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, इथेन बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है, और एक NaCl बन जाएगा और एक NaBr बन जाएगा। अच्छा ये देखिए, तो जरा यहां पर आपका Br है और यहां पर Cl है, अब बताइए यहां पे Br है, एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, तो देखिए जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका Br लिखा हुआ है, ये Cl है। अब हम यहां पे ले रहे हैं 2Na और ड्राई ईथर तो लेते ही है, ड्राई ईथर ले लिए। अब बताइए सबसे पहले कौन लिव करेगा, Br, और जब Br लिव करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, सबसे पहले तो ये टूटता होगा, ये माइनस और ये प्लस, और जब दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आता होगा तो यहाँ पर अटैक करके इसको माइनस बना देता, एक तो न्यूट्रल कर देता होगा और दूसरा इस पर माइनस चार्ज डालता होगा, फिर से Cl पर माइनस और यहाँ प्लस, तो ये प्लस को एक आया न्यूट्रल और दूसरा आया तो यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है, और ये वाला तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ बॉन्ड बना लिया, यानी फाइनली ऐसा बन गया, नहीं, और प्लस NaCl हो गया और NaBr बन गया, ऐसा प्रोडक्ट। तो यही हमारा उर्ज रिएक्शन है और बड़ा आसान रिएक्शन और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग इसको आसानी से समझ गए।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया रिएक्शन से और छोटा मोटा रिएक्शन को लेकर के, ताकि हम सीखें। तो आज यहीं तक, थैंक यू।